हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शालिनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, कन्या महाविद्यालय, खरखोदा। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर हम कह सकते हैं ब्रैकेट फंक्शन। लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इफ एक्स इज एनी रियल नंबर, देन द लार्जेस्ट इंटीजर विच डज नॉट एक्सीड एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स and is denoted by bracket x. The function which associates the integer bracket x with each real number x is called greatest integer function, या फिर हम कह सकते हैं bracket function. तो ये थी एक definition. Definition को हम अच्छे से समझने के लिए कुछ examples consider करते हैं. Suppose हमें एक real number दिया गया है 9.2 और हमें calculate करना है इस 9.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे तो कैसे कैलकुलेट होगा. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम नंबर लाइन एक कंसीडर करें और जो भी नंबर है उसे नंबर लाइन पे लोकेट करें. जैसे अभी हमारे पास इंटीजर है 9.2. 9.2 अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो कहाँ लाई करता है, यहाँ पे. सपोज 9.2 यहाँ है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, लार्जेस्ट इंटीजर विच डज नॉट एक्सीड एक्स. तो इट मींस अगर हमें एक रियल नंबर 9.2 दिया हुआ है तो उसके लिए लार्जेस्ट इंटीजर विच डज नॉट एक्सीड्स 9.2 क्या होगा, 9. इट मींस हम क्या कह सकते हैं, जो भी हमारे पास रियल नंबर x हो उसके लेफ्ट में जो भी लार्जेस्ट नंबर होता है वो उस रियल नंबर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है. तो 9.2 के लिए हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 9 है. अब जैसा कि हम देख सकते हैं बेशक से नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है लेकिन हमने ऐसा देखें तो हमने 9.2 के लिए लिया तो स्मॉल इंटीजर है 9.2 के कंपैरिजन में, पर नाम से कंफ्यूज नहीं होना है. एक्चुअली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, 9.2 एक रियल नंबर है और 9.2 के लेफ्ट में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं अप टू माइनस इन्फिनिटी, और इन सभी इंटीजर्स में से हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 उठाया है जो 9.2 से लेस है और ग्रेटेस्ट है. ऐसे ही हम अगला एग्जांपल कंसीडर करें 8.6. तो 8.6 फिर से हम नंबर लाइन पे लोकेट करें तो 8 और 9 के बीच में लाई करेगा. मान लो यहाँ कहीं 8.6 लाई करेगा और उसके लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, 8. तो 8.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास क्या होगा, 8. जैसे अभी तक तो हमने ये फ्रैक्शनल पार्ट भी था इनमें, ये रियल नंबर थे इंटीजर नहीं थे, उन ये दो एग्जांपल देखे. अभी अगर हम देखें कि इंटीजर खुद हमारे पास रियल नंबर क्या हो, इंटीजर ही हो, तो उसका ग्रेटेस्ट फंक्शन का आंसर क्या आता है, सेम इंटीजर ही. क्योंकि ऑब्वियस है जैसे 6 है, 6 अगर हम नंबर लाइन पे लोकेट करें तो 6 से लेके इधर लेफ्ट में सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर जो लेस देन या इक्वल टू 6 है वो हमारे पास क्या है, खुद 6 ही है. मेन हमें ध्यान देने की बात आएगी जब हम नेगेटिव रियल नंबर को कंसीडर करें. जैसे फॉर एग्जांपल -2.4 है तो -2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, बाकी एग्जांपल्स की तरह ऐसे नहीं जनरलाइज कर देना है कि 9.2 के लिए 9 था, 8.6 के लिए 8 था, तो -2.4 के लिए -2 होगा. नहीं, ये रोंग है. देखो नंबर लाइन से ही दोबारा हम देखें तो नंबर लाइन के हिसाब से हमें क्या करना है, -2.4 लोकेट करना है और उसके लेफ्ट में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो वो इसका आंसर आएगा. तो -2.4 या -2.4 हमारे पास क्या है, यहाँ कहीं होगा. सपोज हम मान ले -2 और -3 के बीच में, तो -2.4 यहाँ होगा. अब इसके लेफ्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, -3. तो -3 इसका आंसर आएगा. एक और एग्जांपल देखते हैं नेगेटिव में, -6.1. -6.1 कहाँ होगा, -6 और -7 के बीच में. यहाँ पे हमने -6.1 मान लिया है. अब -6.1 के लेफ्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, -7. तो हमारे पास इसका आंसर आया -7. तो हम ऐसा देख सकते हैं कि जब हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है तो इंटीग्रल पार्ट ही आंसर आया है, जब इंटीजर है तो सेम आंसर आया है,
और जब नेगेटिव रियल नंबर है तो इंटीग्रल पार्ट अगर माइनस टू है तो आंसर आया है माइनस थ्री, माइनस वन है तो आंसर आया है माइनस सेवन। एक और हम एग्जांपल से या नंबर लाइन से हम ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं। अगर सपोज एक्स हमारे पास कोई भी वैल्यू है, टू है, 2.1 है, 2.2 है, अप टू 2.9, कोई भी हमारे पास x की वैल्यू अगर हम कंसीडर करें तो ये सभी वैल्यू 2 टू 3 के बीच में लाई करेंगी, और 2 टू 3 के बीच में कहीं भी लाई करें तो इससे लेफ्ट लार्जेस्ट इंटीजर क्या है, 2 है। तो इट मींस अगर x हमारा लाई करेगा क्लोज्ड यहाँ से, मतलब 2 को भी हम कंसीडर करेंगे, 3 को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर 3 है तो जैसे हमने एग्जांपल में पढ़ा था कि अगर खुद इंटीजर होता है एक्स तो आंसर क्या आता है, सेम इंटीजर ही आ जाएगा। तो 3 को हम नहीं इसमें इंक्लूड करेंगे। तो अगर 2 से लेके 3 में हमारा एक्स लाई करता है तो उस एक्स का आंसर क्या होगा, सबका ही आंसर 2 होगा। और ऐसे ही जनरलाइज करके हम बोल सकते हैं अगर हमारे पास x लाई करेगा n से लेके किसी n प्लस 1 तक तो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का आंसर होगा n। और इसी की हेल्प से हम ग्राफ भी बना सकते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि 2 से 3 के बीच में अगर लाई कर रहा है ओपन टू द साइड ऑफ 3 तो हमारे पास आंसर 2 ही आ रहा है हर एक का। तो 2 के लिए क्लोज्ड यहाँ पे 2 इंक्लूड हो रहा है, और 3 तक हर एक आंसर 2 ही है यहाँ पे, और 3 पे होलो हमने, मतलब 3 इंक्लूड नहीं हो रहा। ऐसे ही अगर 3 टू 4 में लाई करेगा तो आंसर उसमें हर एक का 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 इंक्लूड हो रहा है और यहाँ जाके 4 इंक्लूड नहीं हो रहा है, 4 होलो है। तो ऐसे हमारे पास ये स्टेप्स में इसका ग्राफ हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, एग्जांपल्स कुछ हमने कंसीडर किए हैं। एक तो हम ऑब्जर्वेशन और देख लेते हैं कि हम किसी भी रियल नंबर को हम लिख सकते हैं दो किस्म में। दो किस्म में कैसे, उसका इंटीग्रल पार्ट और उसका फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे हमने एग्जांपल 9.2 देखा था तो 9 प्लस 0.2 हम ऐसे इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, और ये 9 क्या आया है, x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था भाई। तो इसीलिए किसी भी x को हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस r, r हम डिनोट कर रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट से। और ऑब्वियस बात है अगर हमारे पास x इंटीजर है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, और इसका मतलब हम लिख पाएंगे कि रियल नंबर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दैट रियल नंबर इंटीजर के केस में। तो ये हम किसी भी x रियल नंबर को अब ऐसे लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट r। अब फ्रैक्शनल पार्ट r जो है तो हम ध्यान देंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से लेके 0.9 या फिर हम कह सकते हैं लेस देन 1 ही रहेगी, क्योंकि अगर इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1 होगी तो वो फिर उसमें इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, आगे इंटीग्रल पार्ट में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट हम ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ए और बी दो कोई भी इंटीजर हैं तो बाय डिवीजन एल्गोरिदम हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर पे हमें कंडीशन पता है वो जीरो से लेके लेस देन बी ही रहता है हमेशा। अगर इस इक्वेशन को हम डिवाइड बाय बी करें तो ए बाय बी इज इक्वल टू क्यू प्लस आर बाय बी, जहाँ पे कंडीशन अगर हम चेंज करें आर से आर बाय बी पे तो इस इनइक्वालिटी को डिवाइड बाय बी करें तो जीरो लेस देन इक्वल टू आर बाय बी लेस देन वन आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास क्या बन गया, फ्रैक्शनल पार्ट, लेस देन वन है तो फ्रैक्शनल पार्ट, क्यू हमारे पास कोशेंट इंटीग्रल पार्ट, और ये कोई भी एक रियल नंबर। तो इस रियल नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो क्या होगा, क्यू होगा। तो दस हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं और उसका हमें GIF कैलकुलेट करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैलकुलेट करना है, तो उसका आंसर क्या होगा, कोशेंट इन द डिवीजन ऑफ ए बाय बी। तो ये हमारी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन थी। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे, कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हेल्प से इजीली सोल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हमें एक स्टेटमेंट दे रखी हो कि हमें हाइएस्ट पावर कैलकुलेट करनी है 3 in 533 फैक्टोरियल, अब क्वेश्चन ये हमारे पास क्या है, एक
इसको हम कंसीडर करें, कोई भी एन हमें दिया हुआ था, एन फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, और हमें एन फैक्टोरियल में क्या कैलकुलेट करना है, हाईएस्ट पावर ऑफ सम प्राइम। और सिर्फ हम आगे सीखेंगे कि सिर्फ प्राइम की ही हाईएस्ट पावर नहीं, दो प्राइम की प्रोडक्ट की, तीन प्राइम की प्रोडक्ट की, एनी प्राइम नंबर की प्रोडक्ट हो विद पावर वन वन, डिस्टिंक्ट प्राइम की प्रोडक्ट हो, या फिर प्राइम स्क्वेयर, प्राइम क्यूब, पी स्क्वेयर, क्यू स्क्वेयर, ऐसे किसी भी नंबर की हम हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट, हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं एन फैक्टोरियल में। तो जैसे हम पहला एग्जांपल कंसीडर करते हैं सिंपल पी के लिए, तो हमें फाइंड आउट करना है कि 533 का फैक्टोरियल जो है, इसकी वैल्यू जो भी आएगी उसमें थ्री रेज, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में थ्री की हाईएस्ट पावर कितनी है। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या मेथड है हमारा इस इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, हम कैलकुलेट करेंगे n बाय p का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। n जहाँ पे क्या है 533, p क्या है जो हमें 3 गिवन है, तो हम n बाय p का ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट करेंगे। अब n बाय p का ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट करना है, वो इजीली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी जो हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ी थी, इससे कोई भी दो नंबर का डिवीजन है उसका GIF क्या होगा, कोशेंट व्हेन इन द डिवीजन ऑफ a बाय b। तो अगर हम n बाय p का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे पास 533 डिवाइड बाय 3, अगर हम एक्चुअल डिवीजन से देखें तो कोशेंट 177 आ रहा है, तो n बाय p का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हुआ 177। अब हमने n बाय p का GIF कैलकुलेट किया है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप हो गया n बाय p स्क्वायर का GIF कैलकुलेट करना, फिर p क्यूब, p की पावर 4, p की पावर 5, अप टू p की पावर 6, और ये पावर हमें 7, 8, 9 जब तक हमें कैलकुलेट करना है, ये स्टेप जब तक हमारे चलते रहेंगे तब तक हमारा आंसर ज़ीरो ना बन जाए। तो हमारा ये लास्ट स्टेप होगा किसी भी क्वेश्चन में, जब किसी n बाय p की पावर सम के का आंसर क्या बन जाए, ज़ीरो बन जाए। तो हम कैलकुलेशन देखते हैं, हमने n बाय p कैलकुलेट कर लिया 177, अब हम n बाय p स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। अब n बाय p स्क्वायर हमारे पास हुआ 533 बाय 9, बट इस कैलकुलेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के एक रिजल्ट को यूज़ करके। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है कि हम x बाय n का GIF फाइंड आउट करें, या हम x को रिप्लेस कर दें उसके इंटीग्रल पार्ट से और फिर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बाय n का GIF कैलकुलेट करें, तो आंसर सेम आएगा। तो इस रिजल्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम n बाय p स्क्वायर को ऐसे मान सकते हैं कि ये n बाय p डिवाइड बाय p है, x बाय n हमारे पास x हो गया n बाय p, तो इस x को हम इंटीग्रल पार्ट ऑफ x से रिप्लेस कर सकते हैं, और n बाय p का इंटीग्रल पार्ट अभी हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, वो क्या है 177 है। तो n बाय p स्क्वायर मतलब 533 बाय 3 स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, इस रिजल्ट की हेल्प से हम सिंपल लिख सकते हैं 177 बाय 3, और ऐसे करके इस रिजल्ट से हमारा सिंपल स्टेप्स क्या बन जाएंगे हमारे पास, कि हम n बाय p, n बाय p स्क्वायर सिंपल क्या कैलकुलेट करेंगे, जो पहला आंसर आया था उसको डिवाइड बाय 3। सेम अगेन यही रिजल्ट यूज़ करते हुए हम n बाय p क्यूब को हम मान सकते हैं, n बाय p स्क्वायर बाय p है, और n बाय p स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देंगे उसके इंटीग्रल पार्ट को, और इंटीग्रल पार्ट क्या था 59। तो हम सिंपली क्या कैलकुलेट करेंगे, बस 59 बाय p मीन्स 59 बाय 3 19 आएगा। ये 19 वैल्यू जो भी है ये हम एक्चुअल डिवीजन से, जैसे मैंने आपको 177 बताई है, ये 59, 19, ये सारे आंसर कैसे आएंगे, एक्चुअल डिवीजन से जो भी क्वेश्चन बनता हो। तो नेक्स्ट फिर 19 है, 19 के बाद n बाय p की पावर 4 को हम सिंपल 19 बाय 3 लेंगे, फिर n बाय p की पावर 5 को हम सिंपल 6 बाय 3, आंसर 2, और लास्ट अब हमारा स्टेप बन रहा है 2 बाय 3, जब हमने n बाय p की पावर 6 की है, तो 2 बाय 3 का आंसर क्या आया, 0 आया, क्योंकि क्वेश्चन 0 बन रहा है। तो ये हमारा लास्ट स्टेप है। अब हम आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर हम लिखेंगे जितने भी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आई हैं बाकी सभी, उन सभी का एडिशन। तो हम 177 से स्टार्ट हुए थे और कैलकुलेशन करते करते आखिरी नॉन ज़ीरो हमारे पास क्या आई है,
टू आई है, तो हमारे पास इन सभी का एडिशन क्या हो गया, 263। हैंस हाइएस्ट पावर ऑफ 3 इन 533 फैक्टोरियल इज 263। तो ये हमारा एग्जाम्पल था जब हमारे पास क्या हो, सिर्फ एक ही प्राइम हो। अब हम अगला एग्जाम्पल करते हैं जिसमें दो प्राइम्स की प्रोडक्ट हो। अब हाइएस्ट पावर ऑफ 6 इन 245 फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करना है, तो 6 के लिए हमारे पास क्या है, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखें, 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 के लिए अब ये वाले कैलकुलेशन हमें कैसे करनी होगी, हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। कंपोजिट नंबर है तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जैसे दो प्राइम आए हैं तो हम दोनों प्राइम्स के लिए सेम जो हमने पिछली कैलकुलेशन की है सेम ऐसे ही अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। हाइएस्ट पावर ऑफ 2 कैलकुलेट करेंगे हम 245 फैक्टोरियल में। तो कैसे स्टार्ट करना है, अब हमारा एन क्या है 245 और पी क्या है 2, तो एन बाय पी हमारा फर्स्ट स्टेप 245 बाय 2। कैलकुलेशन से क्वेश्चन आया 122। नेक्स्ट हम करेंगे एन बाय पी स्क्वेयर, एन बाय पी स्क्वेयर क्या होगा 122 डिवाइड बाय 2, फिर एन बाय पी क्यूब, एन बाय पी की पावर 4। तो जो भी हमारे पास लास्ट आंसर क्वेश्चन आता जाएगा उसको हम डिवाइड बाय टू ऐसे कैलकुलेशन करते चलेंगे। और ये कैलकुलेशन हम देख सकते हैं हमारे पास एंड में आंसर कहाँ पे आता है 0, एन बाय पी की पावर 8 पे आंसर 0 बनता है। तो हमारा ये लास्ट स्टेप हो गया। और टोटल आंसर कैसे आएगा, जितने भी हमारे पास नॉन ज़ीरो आंसर आए हैं उन सभी की एडिशन से जो भी वैल्यू आएगी, जैसे इसमें आई है 239, ये हमारे पास वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन 245 फैक्टोरियल। तो हमने 2 के लिए कैलकुलेशन कर ली, अब हम 3 के लिए बिल्कुल सेम स्टेप से हम कैलकुलेशन करेंगे। अब हमारा पी क्या है 3, एन 245 है, तो 245 बाय 3 एक्चुअल डिवीजन से कोशेंट हमने फाइंड आउट किया 81 आया, इसका आंसर 81। एन बाय पी स्क्वेयर का आंसर आएगा 81 डिवाइड बाय 3, क्वेश्चन बना 27, फिर पी क्यूब के लिए 27 बाय 3, फिर पी की पावर 4 के लिए जो इसका आंसर था 9 बाय 3, सो ऑन। हमारे पास जब आंसर 0 आ जाएगा तो लास्ट स्टेप, और टोटल आंसर जितने भी आंसर नॉन जीरो थे उन सभी का एडिशन। तो अब हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ 2 बनी है 239, हाईएस्ट पावर ऑफ 3 बनी है 121। बट क्वेश्चन में तो हमसे पूछा गया था हाईएस्ट पावर ऑफ 6, तो 6 के लिए अब ऑब्वियस बात है जितने 2 और 3 के पेयर बनेंगे उतने ही तो हमारे पास 6 आएंगे, क्योंकि 6 बनेगा 2 इंटू 3 की मल्टीप्लीकेशन से। तो अब बेशक से हमारे पास 2 कितनी बार है, 2 रेज टू पावर 239 है, लेकिन 3 रेज टू पावर 121 है। तो 2 और 3 के हम सिर्फ कितने पेयर बना सकते हैं, 121 पेयर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास इस लॉजिक से कि 6 कैसे बना, जितने 2 और 3 के पेयर बन पाए, जितनी 2 इंटू 3 मल्टीप्लीकेशन बन पाई हमारे पास, तो हमारे पास टोटल आंसर क्या होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ 6 क्या बनेगा, मिनिमम ऑफ पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3। तो जो भी मिनिमम दोनों का आंसर है वो हमारे पास 121 टोटल आंसर आ जाएगा। अब ये एग्जांपल हमने पढ़ा जब एक कंपोजिट नंबर हो जिसमें दो डिस्टिंक्ट प्राइम की प्रोडक्ट हो। ऐसे ही हम एक एग्जांपल, जैसे मान लो हमसे पूछा गया हो हाईएस्ट पावर ऑफ 70 इन 533 फैक्टोरियल, तो 70 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 7, 3 डिस्टिंक्ट प्राइम आए हैं, तो इट मीन्स हमें क्या करना होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन 533 फैक्टोरियल, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 और हाईएस्ट पावर ऑफ 7 कैलकुलेट कर लेनी है। और हाईएस्ट पावर ऑफ 70 कैसे बनेगा, इन तीनों में से जो भी आंसर हमारे पास मिनिमम आएगा, क्योंकि उसी सेम लॉजिक से कि हमें 70 बनाना है, 70 कब आएगा जब हमारे पास ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे। अब तीनों कितनी बार, बेशक फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास 2 की पावर आ गई हाईएस्ट 8 और 5 की पावर आ गई 2 और 7 की पावर आ गई है 4, तो अगर इसमें से हम तीन तीन प्रोडक्ट उठाने की कोशिश करें तो सिर्फ हम इतनी बार ही 70 बना सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट हम 2 इंटू 4 तो ले सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 5 नहीं है क्योंकि 5 की तो मैक्सिमम पावर 2 ही थी। तो हमारे पास कितने 70 बन पाए, 2 क्या था, तीनों पावर में से मिनिमम पावर। हेंस हम क्या जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कंपोजिट नंबर हो जो डिस्टिंक्ट प्राइम की प्रोडक्ट से बनता हो, तो उसके लिए हमारे क्या पास क्या मेथड है, जितने भी डिस्टिंक्ट प्राइम हैं उनकी हाईएस्ट पावर निकालें, और जो भी आंसर मिनिमम है वो हमारे पास टोटल कंपोजिट नंबर का हाईएस्ट पावर हो जाएगी।
ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं कि अगर हमें पूछा गया हो नंबर ऑफ जीरोज एट द राइट एंड ऑफ एनी नंबर से 100 फैक्टोरियल, तो नंबर ऑफ जीरो किसी भी नंबर में एंड में जीरो कितनी बनेंगी, एंड में जीरो कितनी होती हैं, एक तरह से हम ये कह सकते हैं जितना जितनी बार वो 10 से डिवाइड या 10 का मल्टीपल जितना हो उतनी ही जीरो होती हैं। और जीरो बनती कैसे हैं 10 से, इट मीन्स जीरो बनती कैसे हैं 2 × 5 के प्रोडक्ट से। तो ये जीरोज नंबर ऑफ जीरो वाली स्टेट भी अगर हमें दी गई है तो इनडायरेक्टली क्या है हमारे पास, यही वाला मेथड है कि हमें 2 और 5 प्राइम की हाईएस्ट पावर्स निकालनी है और दोनों में से जो भी मिनिमम हो हमारे पास वो आंसर आ जाएगा हाईएस्ट पावर ऑफ 10 का, और 10 ही हमारे पास टोटल जीरोस बनाती हैं। तो अब हमने एग्जांपल देखे कि सिंपल प्राइम नंबर हो या डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर की प्रोडक्ट हो। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि कंपोजिट नंबर तो है बट वो डिस्टिंक्ट प्राइम की प्रोडक्ट नहीं है, उसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल 12 है तो 12 में 2 का स्क्वेयर है और 3 की पावर 1 है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास जितने प्राइम आए हैं 2 और 3, 2 प्राइम आए हैं हमारे पास, तो सेम कैलकुलेशन करेंगे हम, 270 की हाईएस्ट पावर देखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 देखेंगे इन 270 फैक्टोरियल। तो एन हो गया हमारा 270, पी हो गया हमारा 2। तो स्टार्ट हम करेंगे एन बाय पी से, एन बाय पी का एक्चुअल डिवीजन से क्वोशेंट बना 135। नेक्स्ट स्टेप होगा एन बाय पी स्क्वेयर, जो मैंने बताया अभी रिजल्ट यूज़ करके हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, लास्ट जो आंसर आया डिवाइड बाय 2। फिर एन बाय पी क्यूब, लास्ट जो आंसर आया डिवाइड बाय 2। सो ऑन करते करते हमारे पास जीरो आंसर आ जाएगा, और जीरो आंसर हमारा लास्ट स्टेप होगा, और टोटल जो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इसमें बनेगी वो क्या बनेगी, जितने भी हमारे नॉन जीरो आंसर आए थे, या लास्ट जीरो लिख सकते हैं या प्लस जीरो जीरो, क्योंकि इसके बाद चाहे हम जितने भी पी की पावर रेज करते करते ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करें सभी का आंसर जीरो ही आएगा। तो अब ये हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ 2 आई है, बट हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में तो 4 था। अब हमारे पास सपोज 2 हमारे पास कितने टाइम्स आया है, 6 टाइम आया है, 2 × 2 × 2, टोटल 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 आया है। अब इसमें से अगर हम पेयर बनाएं तो हमारे पास कितने 4 बनेंगे, 3 4 बनेंगे। मान लो 2 हमारे पास 7 टाइम आया हुआ होता तो 1 2 अकेला यहाँ रह जाता, 4 नहीं बना पाता, और हमारे पास फिर भी 3 टाइम्स ही 4 बनता। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि अगर हमें 4 बनाना है तो हमें 2 2 के पेयर देखने हैं, कितने पेयर बन रहे हैं, ओड वन आउट एक अकेला रह जाए, बट कितने पेयर बन रहे हैं। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 266 जो हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ 2 आया था उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि हमें पेयर बनाना है ऐसे बोल सकते हैं, या 4 के लिए 2 की पावर 2 थी, पावर 2 थी तो डिवाइड बाय 2 हमें करना पड़ा। तो इसका जीसीडी हम जो फाइंड आउट, सॉरी जीसीडी नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो हम फाइंड आउट करेंगे, जो आंसर आया है वो हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ 4 होगा। सपोज हम बोलते कि अगर हमारे पास 8 होता, मतलब 2 की पावर 3 होता, तो फिर से हम एग्जांपल से देखते हैं। मान लो दोबारा से हम बोलें कि हमारे पास 2 कितनी बार आया था, 6 टाइम आया था, तो 8 हमारे पास कितने बनते, 2 2 टाइम्स बन जाते 8 × 8। तो इसके लिए हमने कैसे देखा, 6/3 किया तो आंसर 2 आ गया। मान लो दोबारा से 7 टाइम होता तो 1 2 अकेला बच जाता, 8 टाइम्स भी होता तो 2 2 बन जाते, वो बेशक से 4 बना सकता था लेकिन 8 नहीं बना सकता था, तो 8 बनाने के लिए फिर से हमें 3 और 2 चाहिए जो 8 बना पाते। इट मीन्स अगर 7 भी हैं तो भी हमारे पास टोटल 8 तो 2 ही बन पाते, 8 times 2 आया है तो भी टोटल 8 तो 2 ही बन पाते। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, 8/2 का, 8/3 का जीसीडी जो कितना आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है। तो जो भी हमारे पास ऐसे एग्जांपल हो जिसमें प्राइम पावर 1 के साथ ना हो, प्राइम की पावर 2 3 या जो भी हो, तो हमें क्या करना है, जो भी प्राइम है उसकी हाईएस्ट पावर कैलकुलेट कर लेनी है, और उसके बाद हमें उस आंसर का डिवाइड बाय पावर करके जीआईएफ कैलकुलेट करना है।
तो हमने 4 की हाईएस्ट पावर कैलकुलेट कर ली, फिर हम ऐसे ही 3 की हाईएस्ट पावर कैलकुलेट कर लेंगे सेम लॉजिक से, और टोटल आंसर क्या आएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ 4 और हाईएस्ट पावर ऑफ 3 में से जो मिनिमम है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, टोटल आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन विद सम ऑब्जर्वेशन एंड एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस जो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।